किचन भी काफी अच्छी मिलने वाली है। 45 गज के अंदर आपको इतना खूबसूरत डिजाइन दिया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद के लाल कुएं से 2 किलोमीटर आगे। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन का नाम रहेगा रॉयल सिटी। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये आपको 20-20 फुट की रोड्स मिलने वाली हैं। काफ़ी चौड़ी रोड है और काफ़ी सारे मकान आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो वीडियो रहने वाली है, ये बजट फ्रेंडली रहने वाली है। जिन लोगों को बजट में मकान चाहिए, उनके लिए मैं आज ये प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये आपको 45 गज के अंदर ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है और काफ़ी शानदार प्रॉपर्टी रहने वाली है और काफ़ी बजट में रही। खास बात क्या रहने वाली है, बजट में ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। एंट्री करते हैं आप इस मकान के अंदर। बाकी फ्रंट से बात करें, एलिवेशन कुछ इस टाइप का रहेगा। ऊपर तक आपको टाइल्स मिलने वाली हैं, देखिए बिल्कुल ऊपर तक आपको टाइल्स मिल जाएंगे। ये आपको बिजली का खंभा नज़र आ रहा होगा, तो बिजली की सुविधा है। नाली देखिए, नाली बनी हुई है। रोड पे देखिए, आप काम चल रहा है यहाँ पर, तो रोड भी प्रॉपर बनने वाली है। बाकी एक बार अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि मकान किस तरह से बना हुआ है। ये आपको लोहे का गेट मिल जाता है फ्रंट में, और ये आपको पार्किंग स्पेस मिल जाता है छोटा सा, जिसके अंदर आप अपना 2-व्हीलर ईजिली खड़ा कर सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको देखिए पानी की सुविधा भारी मिल जाती है। यहाँ से आपकी जो स्टेयर से ऊपर चली जाती हैं, तो बाहर से ही आपको ऊपर जाने का रास्ता दिया गया है। और फ्रंट में ही आपको विंडो दी गई है वेंटिलेशन और रोशनी के लिए। ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता है। ये देखिए, चौखट की बात करें तो लोहे की चौखट मिलने वाली है। लगभग 7 फुट तक की चौखट आपको मिल जाती है। बात करें, ये हमारा जो रहेगा लिविंग एरिया रहने वाला, बैठक रहने वाली है। और बैठक में आपको रोशनी के लिए ये देखिए विंडो दी गई है, जिसके अंदर आप ईजिली अपना कूलर या एसी फिट करा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये ओपन एरिया रहने वाला है। यहाँ से आपको ओपन किचन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि एल टाइप में रहने वाली है और काफ़ी स्पेशियस आपको किचन मिल रही है। देखिए, एल टाइप में आपको किचन मिलेगी। मॉड्यूलर किचन यहाँ पर आपको बना के दी जा रही है। और ये देखिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मॉड्यूलर किचन है। ये देखिए, इस तरह से सॉफ्ट क्लोजर आपको इसके अंदर पैनल्स दिए गए हैं। ये आपको दिखा दो एक बार, ग्रेनाइट का वर्क है। टाइल्स की बात करें, 2x2 की यहाँ पे टाइल्स आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी स्पेसिस आपको 45 गज के हिसाब से काफ़ी बड़ी आपको काफ़ी स्पेसिस आपको किचन मिल जाती है। बाकी आपको एक कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है, जो कि काफ़ी स्पेसिस रहने वाला है। ये देखिए, आपको सारी फिटिंग्स करके दी जा रही है। लगभग 8 फुट तक की आपको यहाँ पर टाइल्स मिलने वाली है। ये अटैच आपका वॉशरूम रहने वाला है। इसके अंदर आपको बाथरूम और लैट्रिन दोनों अटैच रहने वाली हैं। एक आपको बेडरूम मिल जाता है, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। काफ़ी स्पेसिस आपको ये बेडरूम मिल जाता है। इसके अंदर खास क्या रहने वाला है, इसके अंदर आपको अलमारी मिल जाती है। ये देखिए, ये आपको अलमारी बना के दी जा रही है इस तरह की। क्योंकि अगर आप सेपरेटली आके बनाते हैं, तब भी आपका 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है अलमारी बनाने के अंदर। तो यहाँ पर आपका वो खर्चा बच जाता है। और इस तरह का आपको ये रूम दिया गया है वेंटिलेशन के लिए। ये देखिए, आप ऊपर स्पेस दिया गया है और बिजली पानी हर तरह की यहाँ सुविधा आपको मिल जाती है। एक बार ऊपर चल के दिखाते हैं कि किस तरह का ऊपर का आपको एरिया मिलने वाला है। ये आपका जो ग्रेनाइट का वर्क मिल जाता है सीढ़ियों पर। और आपको रेलिंग की बात करूँ तो एसएस की आपको रेलिंग्स मिल जाती है यहाँ पर, और ग्रेनाइट का सारा वर्क आपको सीढ़ियों पर मिलने वाला है। ये आपको फ्रंट में विंडो मिलती है रोशनी के लिए। और ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। आप इसको एज अ स्टोर यूज कर सकते हैं कुछ सामान रखने के लिए अपना। ये आपका ऊपर जाने के लिए छत रहने वाली है। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा ही काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। इस तरह की आपको यहाँ पर छत मिल जाती है। और ऊपर बात करूँ तो इसमें आपको 500 लीटर की टंकी की फिटिंग मिल जाती है। तो बिजली पानी हर तरह की यहाँ फैसिलिटी आपको दी जा रही है। सामने आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मकान यहाँ पर बने हुए हैं। और इधर ही आपको स्कूल भी मिल जाता है। ये देखिए, आपको बस नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये स्कूल बस है। तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फैसिलिटी यहाँ आपको बच्चों के लिए मिल जाती है, क्योंकि पास में ही आपको स्कूल मिल जाता है। और बात करें एक बार प्राइस की, तो प्राइस काफ़ी जेन्युइन रहने वाले हैं। मात्र 14.5 लाख में आपको 45 गज का ये मकान मिल रहा है, जो कि बिल्कुल रेडी टू मूव है। आपको आते ही यहाँ पर शिफ्ट कर लेना है।
इसके अंदर आपको लोन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लोन भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, काफ़ी आपके बजट में रहने वाली है। मात्र 14.5 लाख के अंदर आपको 45 गज का ये मकान बना के दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, पानी, बिजली, यहाँ तक कि बाहर जो नालियों की प्रॉब्लम रहती है मोस्टली कॉलोनी में आजकल, तो वो आपको यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं मिलने वाली है। बाथरूम के ऊपर आपको 2 छत्ती मिल जाएगी, जिसके अंदर आप अपना कोई भी सामान रख सकते हैं। एज अ स्टोर के लिए काफ़ी अच्छा ये आपका रहने वाला है। बाकी आप देख रहे हैं कि बाथरूम भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्पेशियस है, और रूम भी काफ़ी बड़ा मिलने वाला है आपको। ये देखिए, और किचन, किचन भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। 45 गज के अंदर आपको इतना खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं, यहाँ सोफ़ा रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको ये बैठक मिल जाती है। तो दोस्तों, आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मकान, 45 गज का मकान मात्र 14.5 लाख में। तो दोस्तों, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएं कि आपको ये मकान कैसा लगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और दोस्तों अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।